इसमें फॉल्ट है, टीवी ऑन नहीं हो रहा है और मैं ऑलरेडी टीवी को ओपन कर चुका हूँ। और ये उसका पीसीबी है, मतलब पूरा ये डेड है। तो पहले कहाँ से शुरू करें, तो दोस्तों मेरा साथ बने रहिए और मैं ये टीवी को रिपेयर करता हूँ और आप लोग को भी मैं बताऊँगा इसमें क्या फॉल्ट है नहीं है, इसके बारे में आपको पूरा जानकारी मैं दूँगा। तो इसको चेक करने के लिए एक मीटर हम लोग ले लेते हैं और मीटर को कंटिन्यू रेंज में सेट करेंगे। और पहले हम लोग को ये जो मेन कंडेंसर हाई वोल्ट का प्राइमरी सेक्शन में ये हम लोग चेक करेंगे कंटिन्यू रेंज में ये शॉर्ट है कि नहीं। अगर ये एसटीआर शॉर्ट होगा तो ये कंटिन्यू शो करेगा, कंडेंसर पॉजिटिव नेगेटिव शो करेगा। तो हम लोग को समझ लेना चाहिए एसटीआर शॉर्ट है या ये सेक्शन में कुछ कंपोनेंट ख़राब होगा। तो चलिए हम लोग ये कंडेंसर को चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये शॉर्ट नहीं है, एक साइड शो हो रहा है और एक साइड शॉर्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब फिलहाल तो हम लोग को ये पता चला जो ये प्राइमरी सेक्शन में शॉर्ट नहीं है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो सेकेंडरी लाइन है, सेकेंडरी लाइन में हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव को मीटर को लगा के चेक करेंगे कंटिन्यू रेंज में, जो पॉजिटिव में शो करता है कि नहीं। तो ये देखिए पॉजिटिव पोर्ट लगाया नेगेटिव में और नेगेटिव पोर्ट लगाया पॉजिटिव में, तो ये शो हो रहा है। उसके बाद ये नेगेटिव को नेगेटिव में हम लोग लगाएंगे तो ये शो हो रहा है। उसके बाद दोस्तों ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट में नेगेटिव पोर्ट रख के प्लस वाला पोर्ट को नेगेटिव में लगा के हम लोग देखेंगे ये शो हो रहा है और बाजार का भी आवाज़ आ रहा है। उसके बाद कलेक्टर को मेन पॉजिटिव सप्लाई पॉजिटिव पोर्ट को रख के नेगेटिव पोर्ट को नेगेटिव पोर्ट में लगा के चेक करेंगे तो ये शो हो रहा है। उसका मतलब है ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है, ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर एक आउटपुट ट्रांजिस्टर है ये जगह पर, ये शॉर्ट है। तो ये हम लोग पहले निकालेंगे, निकाल के हम लोग पावर सप्लाई को चेक करेंगे, उसका बाद आगे जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को देखना, कुछ जानकारी मिले तो आपका लिए बहुत मददगार साबित होगा, तो वीडियो को देखते रहना। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर को मैं ओपन कर चुका हूँ और ये देखिए ट्रांजिस्टर, ये मैंने चेक किया तो ये शॉर्ट मिला। अभी क्या करते हैं, ये जो मेन पीसीबी है यहाँ पर देखिए एक फ्यूज लगा हुआ है, ये देखिए फ्यूज़ का सिंबल है। तो इसमें 100 वाट का बल्ब लगाएंगे, उसके बाद ये डीसी वोल्टेज सेकेंडरी का डीसी वोल्टेज चेक कर, इसी तरह आपको भी चेक करने का टाइम में लगा लेना। तो चेक करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा और काम भी बढ़िया होगा, शॉर्ट वगैरह नहीं होगा। ऊपर में ध्यान दीजिए और मैं ये प्लग को अभी फ़िलहाल तो मैं पावर में लगाने जा रहा हूँ और ये लगाया और ये देखिए बल्ब पूरी ग्लो हुआ। उसके बाद ये ब्लिंकिंग हो रहा है और धीरे धीरे ये ऑफ हो गया, हल्का हल्का करके ये ऑफ हो गया। इसका मतलब है पावर सेक्शन प्राइमरी सेक्शन ओके है। दोस्तों अब हम लोग ये डीसी का वोल्टेज चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए मीटर को मैं 110 में 100 डीसी वोल्ट में सेट किया और उसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं 110 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर लगाया, मीटर रीडिंग थोड़ा ज़्यादा शो कर रहा है, मीटर में प्रॉब्लम है, तो उसका लिए चिंता नहीं करना।
तो हम लोग का जो टीवी का डीसी सेकेंडरी डीसी वोल्ट है 110 का, ये वोल्टेज तो ओके है। और अभी ये ट्रांजिस्टर को लगा के तो आगे चेक करेंगे। तो वीडियो को देखते रहना दोस्तों। ट्रांजिस्टर को मैंने लगाया जो ओरिजिनल आउटपुट ट्रांजिस्टर है, और इसको लगाने बाद मैंने लाइन दे के चेक किया, और देने का साथ साथ ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया, मेरा मतलब ओपन हो गया। तो उसका फॉल्ट कुछ और है दोस्तों, तो आप ये फॉल्ट को देखना, मैं इस फॉल्ट को रिपेयर करने वाला हूँ। ये दोस्तों ये फॉल्ट आता है जो पिक्चर ट्यूब में योक कल शॉर्ट होने से भी ये ओरिजिनल आउटपुट ट्रांजिस्टर लाइन देने का साथ साथ ये उड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक बूस्ट कैपेसिटर है जो कलेक्टर से ये कोयल का साथ कनेक्ट किया है, वो कैपेसिटर अगर डाउन होगा लीक होगा तो ये आउटपुट ट्रांजिस्टर ओपन होगा। तो दोस्तों इसमें फॉल्ट है, ये अभी हम लोग कंफर्म करेंगे जो ये कैपेसिटर ख़राब है या ये कोयल ख़राब है। तो दोस्तों बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक, बीच में काटना नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये जो कैपेसिटर है बूस्ट कैपेसिटर को पहले निकालेंगे, उसका बाद चेक करेंगे। दोस्तों कैपेसिटर को निकाला, जो बूस्ट कैपेसिटर है उसको निकाला, ये देखिए। तो ये मीटर में कंटिन्यू कर रहा है, ओके शो कर रहा है, लेकिन कैपेसिटर ज़्यादातर अंदर से लीक होता है और मीटर में भी ओके शो करेगा। तो हम लोग एक नया कैपेसिटर को डाल के चेक करेंगे आउटपुट ट्रांजिस्टर हीट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो दोस्तों कैपेसिटर मैंने लगा दिया यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर कैपेसिटर लगा दिया। तो आप हम लोग को देखना है टीवी चल रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया टीवी का प्लग, और मैं मेन सप्लाई में लगाते हैं और देखते हैं टीवी ऑन होता है कि नहीं। तो ये लगाया, और दोस्तों स्क्रीन में दोस्तों लाइट आ गया। लाइट आने से दोस्तों हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं, फिर भी हम लोग देखते हैं 5-10 मिनट। तो लाइन को मैं दोस्तों ओपन कर चुका हूँ, मतलब मेन पावर से खुल दिया, और ये जो देखिए हीटसिंक लगा हुआ है, ये हीटसिंक लगा हुआ है आउटपुट ट्रांजिस्टर का, तो ये अभी भी हीट हो रहा है, और हीट बहुत जबर हीट हो रहा है, ये हाथ से पकड़ के रख नहीं सकते ऐसा हीट हो रहा है। तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, टीवी तो चल रहा है लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। इसे हम लोग टीवी को दे देंगे कस्टमर को, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा तक चलेगा, उसके बाद ये आउटपुट ट्रांजिस्टर ओपन हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, ये कैपेसिटर भी देख लिया, उसके बाद ये जो ST है वो तो ख़राब नहीं होगा, वो ख़राब होने से डायरी की लगाने का साथ साथ ये आउटपुट ट्रांजिस्टर ओपन हो जाएगा। लेकिन यह कोयल अगर स्पार्किंग होगा अंदाज से, तो हल्का हल्का करके स्पार्किंग होगा, तो ये आउटपुट ट्रांजिस्टर हीट होते होते उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। दोस्तों तो हम लोग एक बार यह कोयल को लगा के चेक करते हैं। तो ये रहा यह कोयल, और अल्ट्रासिम का है, तो ये कोयल को हम लोग लगा के एक बार चेक करेंगे ट्यूब में। और ये देखिए जो टीवी का ओरिजिनल अल्ट्रासिम का यह कोयल है, ये देखिए मैं थोड़ा जूम करके आप लोग आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, तो ये देखने से अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका अंदर से अगर स्पार्किंग होगा
हॉरिजॉन्टल लाइन में स्पार्किंग होगा तो आउटपुट हीट होगा दोस्तों।